हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यह है कि जो जैसे हम कई बार होता है कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं तो मोबाइल को फॉर्मेटिंग करते हैं या उसमें फिर अपडेटिंग करते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर नया फर्मवेयर अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो कंप्यूटर की सहायता से मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाए जाते हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कंप्यूटर में, देखिए कि आपके पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास तो जो हम यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर यहाँ मोबाइल में चढ़ाने वाले हैं तो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे, मोबाइल सॉफ्टवेयर आपके पास यहाँ पर होना जरूरी है। जिसमें आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सैमसंग का J5 00F यहाँ पर मेरे पास मोबाइल है, तो उसका सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, जैसे कहते हैं फर्मवेयर। देखिए तो यहाँ पर यह फाइल आपके पास होना जरूरी है जो लगभग 2 से 3 GB की फाइल होती है जो MT के नाम से होती है। इसको डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको पूरी बाद में आगे दिखाऊंगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके साथ में सॉफ्टवेयर आता है जो जिसके माध्यम से हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे मोबाइल के अंदर। यहाँ पर इसका नाम ओडिन, इसको यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो AP लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके AP फाइल आपको यहाँ पर इसके अंदर ऐड करना है। तो AP फाइल क्या होती है, जहाँ पर आपके देखिए जहाँ पर भी आपके यहाँ पर ये मोबाइल सॉफ्टवेयर की फाइल लिखी हुई है, जैसे देखिए J5 00F, इसके अंदर यहाँ पर आपके जो फर्मवेयर होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाई दीजिए MD फाइल करके होती है, इसको यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लेस फाइल लिखा हुआ है। अब आपको आगे क्या करना है, अपने मोबाइल को PC से कनेक्ट करना है। PC कनेक्ट कैसे करना है हम आपको दिखाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब क्या करना है कि जो आपको मोबाइल है, ठीक है, यहाँ पर इसको पूरी तरह से आप स्विच ऑफ कर लीजिए, जिसमें बैटरी निकाल सकती है इसकी। अब यहाँ पर इसको फिर से इसका जो यहाँ पर इसका बैक साइड का जो पोर्शन है उस बैटरी निकाल कर रिमूव कर लीजिए और फिर से इसके अंदर बैटरी लगा दीजिए। तो मैं बैटरी लगा देता हूँ। देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास मोबाइल जो है इसको पहले हमें इसकी जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है इस मोड में यहाँ पर हमको इसको डालना होगा। देखिए अब क्या करना है कि जो वॉल्यूम डाउन का बटन है इसको और जो अनलॉक का बटन होता है, ठीक है, उसको और जो बैक का बटन होता है बीच का होम बटन, इसको तीनों को एक साथ यहाँ पर आपको प्रेस करना है। देखिए ये और वॉल्यूम डाउन का एक साथ तीनों को इसको दबा कर दीजिए। देखिए हमारा जो मोबाइल देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर इसको वॉल्यूम अप वाले बटन पर यहाँ पर कंटिन्यू करिए। देखिए वॉल्यूम अप वाला ऑप्शन यहाँ पर बटन है, इसको दबाना है। अब देखिए आपका जो मोबाइल है यहाँ पर सॉफ्टवेयर के मोड में यहाँ पर जा चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसको PC से कनेक्ट करना है। तो देखिए अब इसको यहाँ पर अभी PC से कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे इसके अंदर यहाँ पर आपका मोबाइल यहाँ पर अटैच कर देंगे आपके सामने यहाँ पर लिखा देगा एडेड, मतलब आपका जो मोबाइल यहाँ पर है वो यहाँ पर एड हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्टार्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए अब जैसे क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल यहाँ पर सॉफ्टवेयर है यहाँ पर इंस्टॉलिंग होना इसके अंदर करना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर मोबाइल में देख सकते हैं, देखिए जो हमारा सॉफ्टवेयर था यहाँ पर ये मोबाइल के अंदर डाउनलोडिंग हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा प्रोसेस है उस समय की ये भी इसको देखिए। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके सामने यहाँ पर सॉफ्टवेयर था यहाँ पर डन हो चुका है। अब जो आपका मोबाइल यहाँ पर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद आपको इसे क्या करना है कि आप इसकी कुछ नॉर्मल सेटिंग है वो यहाँ पर आपको कर लेना है। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए आपका मोबाइल था, देखिए यहाँ पर इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेटिंग, आपके मोबाइल में यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर था यहाँ पर आप चढ़ चुका है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पास। तो अब जो आपको यहाँ पर डाटा जो भी इसके अंदर हुआ पुराना डाटा यहाँ पर एरिया सिंक कर रहा है, देखते हैं इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल को यहाँ पर अपडेटिंग और फॉरवर्डिंग कर सकते हैं इजली। और यदि आपको वीडियो को समझ में नहीं आया हो तब पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।